और देखिए कवि महोदय ने अंतिम कली में बहुत अच्छी बात लिखी है और क्या बताया, कार्य सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कार्य सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, वो कार्य सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कार्य सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, यू आना गानी में तू डूब के मर जा रे, चल दो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चल दो भर पानी में, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन बड़ी जवानी बिहारी लाल की जय हो। तो इसलिए भजन उम्र नहीं देखता, जिस उम्र में लगन लग जाए उसी में भजन हो जाए, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने मात्र 5 वर्ष की उम्र में गोविंद को पा लिया था। पाया था कि नहीं पाया? 16 वर्ष की उम्र में मीराबाई ने गोविंद को पा लिया था, 7 वर्ष की उम्र में कर्माबाई ने गोविंद को पा लिया था। इसलिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं, जिस दिन सच्ची लगन मेरे गोविंद से लग जाए उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। कोई उम्र नहीं हमें रोक सकती गोविंद को पाने।